हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लज्जा पटेल परमार। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये मैं ब्लॉग लेकर आई हूँ, शॉपिंग ब्लॉग। आपने मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे तो मैं गई थी इंदौर और उज्जैन, वहां से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है तो मैं वो ब्लॉग लेकर आई हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने आपको उज्जैन की दो चीज दिखाई दी थी पर मैं अभी शॉपिंग हॉल चल रहा है तो मैं वापस दिखाई देती हूँ। तो ये मैंने ली है पोटली, रेड कलर की पोटली है और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। ये सब ट्रेडिशनल में जाएगी। तो अभी वैसे भी हमारे घर में शादी आ रही है तो ये इसके लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। और ये मुझे पड़ी सिर्फ 100 रुपीज के। तो 100 रुपीज में तो आजकल क्या ही मिलता है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। उसके बाद ये लिया है मैंने दुपट्टा। ये बहुत सारे कलर का है, कलरफुल है। इसमें कोई भी सिंपल सूट पहनेंगे और इसके ऊपर ये दुपट्टा डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है और थोड़ी हैवी लुक भी देगा। तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था तो ये भी मैंने लिया था उज्जैन में से। उसके बाद आते हैं, हम गए थे इंदौर। इंदौर में हम गए थे रजवाड़ा मार्केट, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है फॉर शॉपिंग। वो बोलते हैं कि दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट जैसा ही है पर बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वहाँ पे बिल्कुल भी कम रेंज में चीज़ें नहीं मिल रही थी जैसे सरोजनी में मिलता है। वैसे मुझे सब शॉप में होता है वो ही प्राइस में मिल रहा था। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने लिया है कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती जो हम जीन्स पे पहन सकते हैं। यहाँ पे मैं फोटो भी डाल दूंगी। और इसके जैसा मैंने सेम लिया है मेरे मम्मी के लिए येलो कलर में, ये वाला। और मैंने एक दूसरा लिया है पिंक कलर का भाभी के लिए, ये ऐसा वाला है। और उसके बाद मैं सबसे पहले शॉप में गई थी, वहाँ पे ये बार डमी में लगा हुआ था, ये बांधनी का था। ये ऑफ शोल्डर है, मतलब ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये वेस्टर्न टाइप का लगेगा, गाउन टाइप का लगेगा। और ये फुल लेंथ का है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, इस वजह से ये सब शॉपिंग मैंने वहाँ से की है तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद हमने लिया है ये फ्रॉक अनाया के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था नेट में। और सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद आ रहा था, ये साइड में ऐसा है, ये ऐसा दुपट्टा टाइप का कुछ लगता है। और इसमें बहुत सारे कलर थे, पिंक कलर ये सब, पर पिंक कलर उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं तो ये कलर मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा था तो ये लिया है हमने अनाया के लिए। इसके बाद आते हैं हम ज्वेलरी में। तो हम गए थे लाल बाग पैलेस में, उसके बाहर बहुत ही अच्छे अच्छे झुमके मिल रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिल रहे थे। मतलब हमारे सूरत में 250 या 300 के अराउंड मिलते हैं और यहाँ पे सिर्फ मिल रहे थे 100 रुपीज़ के। तो झुमके होते तो मैं हर जगह पहुँची जाती हूँ और मुझे पर्सनली झुमके बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे कलरफुल वाले बहुत ही अच्छे झुमके लग रहे थे। इसके बाद नॉर्मल झुमके तो मेरे पास बहुत है पर ये ऐसे ऊपर ऐसा होता है, ऐसा कलरफुल वाले झुमके नहीं है तो मैंने ऐसा वाला भी झुमका लिया है। उसके बाद ये है हैंडमेड और ये फ्लावर टाइप का लग रहा है और ये वेस्टर्न वेयर पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है तो मैंने ये वाला भी लिया है। उसके बाद मैंने लिया ये हेयरबैंड, ये ट्रेडिशनल वेयर में पहनने के लिए। वैसे भी हमारे अभी गांव में शादी है तो वहाँ पे वैसे भी ऐसा पार्लर वाले ऐसे कुछ होते नहीं है तो बस इसको लगा दो तो थोड़ी बहुत ऐसी अच्छी से हेयरस्टाइल दिखने वाली है। तो ये ऐसा टाइप का है, एक पास से दिखाती हूँ। और उसके बाद बस ये लास्ट चीज़ है, ये है मेकअप के लिए हेयरबैंड। तो ये ऑल मतलब 100 रुपीज़ में मिलती है पर वहाँ पे सिर्फ 50 रुपये में मिल रही थी तो मैंने ये वाली ली है। उससे बहुत ही अच्छा मेकअप होने वाला है तो ऐसे करके अच्छे से मेकअप कर लो। तो बस ये ब्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।